Hey my lovely foodies, welcome back to Sneha Gupta Recipes and Vlog channel. और आज का रेसिपी है ब्रेकफास्ट, या आप इसे स्नैक्स में भी बना सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगता है. हम आलू, सूजी और चीज़ से ये बनाने वाले हैं, जो कि ईजिली हमारे घर में अवेलेबल होता है. तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि वीडियो के एंड में आरफ एंड अद्विक आपको बताने वाले हैं क्योंकि उन्हें ये रेसिपी कैसा लगा. और साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो करें, क्योंकि मैं वहाँ पर आती हूँ अपने पर्सनल लाइफ के अपडेट लेकर के. इसके साथ साथ आप मुझे फेसबुक पेज एंड फेसबुक ग्रुप में भी लाइक कर सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये डिलीशियस रेसिपी. सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे आलू बॉईल करके और मैश करके ले लिया है. मैंने यहाँ पे 4 से 5 आलू लिए थे मीडियम साइज़ के, जिसे मैंने बॉईल कर लिया है. और उसे अच्छे से ग्रेट कर सकते हो या मैश कर सकते हो. साथ ही इसमें 1 चम्मच पनीर डालेंगे, 1 चम्मच अदरक डालेंगे बारीक ग्रेट किया हुआ, गोलकी पाउडर डालेंगे लगभग 1/2 टीस्पून, गरम मसाला 1 चम्मच और चावल का आटा 2 बड़े चम्मच, और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे. तो चावल का आटा हम इसमें इसलिए डालते हैं ताकि ये जो आलू है वो तेल में जाते ही फटे नहीं. तो ये देखिए, अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम 1 चम्मच नींबू का रस डालेंगे, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसे. साथ ही इसमें हम सॉल्ट ऐड करेंगे, वाइट सॉल्ट ऐड करेंगे, और साथ में इसमें हम ब्लैक सॉल्ट भी यूज़ करेंगे ताकि इसमें अच्छा सा चटपटा टेस्ट आ जाए. तो इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक डो जैसा बना के तैयार कर लेंगे. इसके बाद हम छोटे छोटे इसके बॉल्स भी बनाएंगे, लेकिन उसे हम 5 मिनट के लिए रेस्ट करने देते हैं. मैंने यहाँ पे एक सूजी लिया है, रवा. आप यहाँ पे 1/2 कप सूजी या रवा आप ले सकते हो, और उसमें आप चिली फ्लेक्स डाल सकते हो, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर सकते हो, या हर्ब्स भी ऐड कर सकते हो एक अच्छा फ्लेवर देने के लिए. तो इस तरह से मैंने वो डो से बॉल निकाल लिया है. इसके बीच में हम इस तरह से होल करेंगे ताकि इसके बीच में मैं इसमें चीज़ डालने वाली हूँ. तो चीज़ क्यूब्स मिलते हैं, उसे मैंने इस तरह से कट कर लिया है. आप यहाँ पे मोज़िला चीज़ यूज़ कर सकते हो या अमूल चीज़ भी यूज़ कर सकते हो. तो मेरे पास मोज़िला चीज़ नहीं था तो मैंने यहाँ पे अमूल चीज़ यूज़ किया है, या आप किसी भी ब्रांड का चीज़ यहाँ पे यूज़ कर सकते हो. तो इसे चीज़ इसमें स्टफ़ करेंगे हम आलू के अंदर, और इस तरह से राउंड बॉल बना लेंगे. पैन अच्छे से मैंने गर्म कर लिया है, बिल्कुल तेल अच्छे से डालने के बाद इसमें गर्म कर लिया था. इसके बाद इसमें हम सारे बॉल एक एक करके डालेंगे. तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ. ये देखिए, मैंने सूजी में बॉल को इस तरह से कोट कर लिया था चारों तरफ से, और उसके बाद इसे तेल में डाला था. तो तेल जो है अच्छा गर्म होना चाहिए, लेकिन जब इसमें हम डालेंगे उससे पहले फ्लेम को थोड़ा लो कर दें ताकि ये बॉल्स डालते ही तेल में जल ना जाए. इसे हमें कुक होने देना है, क्रिस्पी होने देना है. तो इस तरह से हमें इसे मीडियम फ्लेम में कुक होने देना है. मीडियम टू लो फ्लेम में आप इसे कुक कर सकते हो. और अगर इसे आप बहुत ज़्यादा ठंडे तेल में डाल दोगे या कम गर्म में डाल फ्राई करोगे तो ये टूटने लगेगा धीरे धीरे. तो इस बात का ध्यान रखना है कि तेल को हमें गर्म ही रखना है. और इस तरह से देखिए, इसे हमें गोल्डन होने तक इसे हमें डीप फ्राई करना है. तो बहुत ही अच्छा गोल्डन सा कलर आता है, बहुत ही अच्छा. और इसका शेप भी आप चेंज कर सकते हो. जैसे मैंने यहाँ पे कुछ बॉल्स बनाए हैं, और आप इसे लंबे शेप में भी बना सकते हो, या बच्चे को जो पसंद है उस शेप में भी आप इसे बना सकते हो. बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, एकदम क्विक है ये, बहुत ही ईजी है. ईजिली घर में सारे चीज़ अवेलेबल होते हैं, उससे मैं आपको बना के. तो ये देखिए, इसी तरह मैं दूसरे बैच को भी डीप फ्राई करूंगी. और ये भी जब गोल्डन कलर के हो जाएंगे इसे भी मैं निकाल लूंगी. और इसे आप टमाटो केचप के साथ, हरी धनिया की चटनी के साथ सर्व कर सकते हो. तो ये देखिए कितना टेस्टी दिख रहा है और कितना प्यारा कलर आया है. इसे हम टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे. और आरव अब आपको बताने वाला है कि इसे कैसा लगा. तो ये देखिए, आरव ने इसे एक बाइट कट किया है, और अंदर से जो चीज़ मैंने डाला था वो देखिए अच्छे से मेल्ट हो चुका है. अगर यहाँ पे आप मोज़िला चीज़ यूज़ करोगे तो वो बहुत ही अच्छा स्टिकी सा एकदम लुक आएगा. और अद्विक भी खा के देख रहा है, उसे भी अच्छा लग रहा है.
खैर आरव एंड अदबी को तो बहुत ही अच्छा लगा ये, आप इसके एक्सप्रेशन देख के समझ सकते हो कि उन्हें कितनी अच्छा लगा होगा ये। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें, और रेसिपी अच्छा लगे तो मुझे कमेंट्स में लिखना बिल्कुल ना भूले कि आपको मेरा आज का रेसिपी कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि ऐसे अपडेट्स मैं लेकर के बार बार आती हूँ, और बेल आइकन को भी क्लिक करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इंटरेस्टिंग रेसिपीज के साथ। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, हैप्पी कुकिंग, बाय बाय।